हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रत्युष और मैं वेलकम करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पेट पैलेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक है ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग बॉक्स को कैसे साफ़ सफाई करें, या तो फिर ब्रीडिंग मटकी को कैसे साफ़ सफाई करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ब्रीडिंग बॉक्स को साफ और फिर से यूज करने के लिए जो सब चीज़ चाहिए, पहले तो ये है नीम का पत्ता, दूसरा है सूखी लाल मिर्च, तीसरी है एक ठो पाउडर जो बाज़ार में मिलता है, मुझे नहीं पता लेकिन वो कोलकाता में मिलता है, और ये है बल्फो पाउडर। ये आपको किसी भी पेट स्टोर में मिल जाएगा। और ये है वुडन चिप्स। चलिए देखते हैं इसे कैसे तैयार करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो चिप्स है ये दो टाइप का मिलता है। ये पहले ऐसा छोटा वाला मिलता था और अभी छोटा नहीं मिलता है, मार्केट में ये बड़ा वाला मिलता है। इसका प्राइस फिर भी 600 के आसपास रहता है। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका प्राइस है, वेट है 3 kg और प्राइस है 660 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपको मिल जाएगा किसी भी पेट स्टोर में। अभी हम जो करने वाले हैं, पहले बॉक्स से बर्ड्स को निकालना है, बर्ड्स के चिक्स को एक एक करके बड़े ही सावधानी से निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चिक्स की क्वालिटी देखिए, हेल्थ देखिए कितना अच्छा है। अभी हम इसके अंदर के गंदगी को साफ करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही गंदा हो गया है। और ये वुडन चिप्स को ऐसे ऐसे हाथ में करके फैलाना है। ये देखिए, ये बहुत टाइट है, इसको ऐसे फैलाना है इसमें। और फिर हम इसमें डालेंगे पाउडर। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उड़ीसा में बारिश भी हो रही है, तो कभी कभार चींटी या तो फिर थोड़ा थोड़ा कीड़ा वगैरह, छोटा छोटा कीड़ा जो होता है वो लग जाता है। और इसमें फिर डालेंगे नीम का पत्ता, बस इतना ही, और इसमें सूखी मिर्च, और उसके बाद ये वाला पाउडर डालेंगे जो मार्केट में मिल जाता है। सबसे आखिर में डालेंगे वुड चिप्स। ठीक से फैला देंगे, जैसे कि कोई भी जगह खाली ना हो, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है लेकिन बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा हल्का हल्का मॉइस्चर भी आ जाता है, इसीलिए ठीक से फैला देंगे। अभी फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया, अभी हम बर्ड्स को छोड़ेंगे, चिक्स को।